उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी ने चिट्ठी भेजकर 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे फिरौती रकम बिलासपुर सेंट्रल जेल के पते पर ही मंगाई है। हत्या और डकैती के जुर्म के पुष्पेंद्र नाथ चौहान जेल में बंद है। उड़ीसा पुलिस मुख्यालय से रविवार को ये चिट्ठी बिलासपुर पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख को मिली। इसके बाद सोमवार को पुलिस महानिदेशक जेल गिरधर नायक ने पुष्पेंद्र से करीब 45 मिनट पूछताछ की। उसका कहना है कि वह खुद को चर्चा में लाना चाहता है। पुष्पेंद्र ने चिट्ठी पोस्ट के जरिए भेजी थी। नवीन पटनायक को यह 25 अगस्त को मिली थी। पुष्पेंद्र इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस को भी चिट्ठी भेज चुके हैं। तब जस्टिस ने खुद जेल आकर उनकी शिकायत की थी। जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा के मुताबिक पुष्पेंद्र पहले भी 4 लोगों को चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन तब फिरौती नहीं मांगी गई थी। पुष्पेंद्र जांजगीर चांपा जिले के दरभाठा का रहने वाला है। उस पर राज्य के कई जेलों में डकैती का आरोप है। वह 2019 से जेल में है। एसपीएन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।